गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम खड़े हैं होंडा के शोरूम में। होंडा की एक सबसे अच्छी गाड़ी जिसको होंडा ने डिसकंटिन्यू कर दिया, आइए उसके बारे में आपको डिटेल देते हैं। वो कैसी गाड़ी है, एक उसका वॉक अराउंड देते हैं। ये है होंडा की WRV, बहुत ही प्रीमियम सेडान थी होंडा की, जिसको होंडा ने डिसकंटिन्यू कर दिया। इसके सेल्स फिगर बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए इस गाड़ी को बंद कर दिया गया। आइए देखते हैं इसका एक वॉक अराउंड। बहुत ही प्रीमियम कार थी होंडा की है, WRV, VRV, ये सारी गाड़ियां डिसकंटिन्यू कर दी गई होंडा के द्वारा। कंपनी ने इसका फेसलिफ्ट नहीं लॉन्च कर पाया और आज के समय के हिसाब से ये गाड़ी नहीं एडजस्ट हुई, इसलिए इस गाड़ी को होंडा ने बंद कर दिया। उसका एक वॉक अराउंड देख लीजिए, इसके टायर साइज देख लीजिए, 195/60/16 टायर साइज आता था। हाईवे टेरेन टायर लगे हुए आते थे कंपनी से ही, रिक्वेस्ट सेंसर्स आते थे, स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती थी ये गाड़ी। इसका एक ऑटोमेटिक भी आता था वेरिएंट, उसको भी बंद कर दिया। डीजल वेरिएंट पहले आता था, फिर बाद में अप्रैल 2020 के बाद केवल ये गाड़ी पेट्रोल में आना शुरू हुई और उसके बाद अब 2022 में इसके सेल्स फिगर गिरते गिरते बिल्कुल ख़त्म हो गए। इसकी कोई भी यूनिट सेल नहीं हो रही थी, इसलिए इस गाड़ी को कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। ये एक डेमो व्हीकल खड़ा हुआ है शोरूम में, तो मैंने कहा इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी जाए। तो ऐसे ही देखते रहिए ऑटोमोटिव 03 और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कार को थोड़ा सा धीरे चलाएं ताकि होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। थैंक यू।